हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मेरी नींद सुबह 6:30 के अराउंड खुल गई थी। सो अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करने के बाद यहाँ मैं चाय के साथ क्यू, परसेंटेज एंड स्क्वायर की रिवीजन कर रही हूँ। ये मैं डेली बेसिस पे वोकैब के साथ ही कर लेती हूँ। एंड ये है मेरी आज की टू डू जो मुझे कम्प्लीट करनी है। सो स्टार्ट करते हैं प्री के मॉक के साथ। एंड आज मैं लगा रही हूँ प्रैक्टिस मॉक का RRBPO का मॉक। ये फ्री मॉक है, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप भी जाके इस मॉक को लगाओ और देखो आप अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हो। एंड ये है मेरे इस मॉक के स्कोर 58.5। अगर आपने मॉक लगाया तो अपना स्कोर प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड ये है इस मॉक की रफ शीट। मॉक देने और उसके एनालिसिस करने के बाद यहाँ मैं अब कर रही हूँ रीडिंग। रीडिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपको डेली बेसिस पे तो करनी ही चाहिए। एंड रीडिंग करने के बाद फिर मैंने स्पीड मैथ के क्वेश्चन सॉल्व किए, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, रॉ नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज। एंड ये सब करने के बाद मैं नहा धो के नीचे गई, ब्रेकफास्ट लिया। एंड आज मैं ज़्यादा लेट हो गई थी ब्रेकफास्ट के लिए, सो मुझे ये सूखी रोटी खानी पड़ रही है। एंड देन ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आज परफेक्शन क्लास को लाइव नहीं देख पाई थी बिकॉज ऑफ इंटरनेट इशू, तो मैं आज रिकॉर्डिंग सेशन देख रही हूँ मैम के। एंड 1 आवर की नैप लेने के बाद अब मैं यहाँ पी रही हूँ चाय। मैंने चाय छोड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश की पर छूट नहीं पा रही है। सो पीते हैं पहले चाय एंड फिर स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट स्टडी स्लॉट। सो अब करूँगी मैं यहाँ से PG एंड RC के क्वेश्चन। एंड ये प्रैक्टिस मॉक है गाइज, यहाँ आपको मिनी मॉक्स मिल जाएंगे एंड बहुत सारे टॉपिक टेस्ट मिल जाएंगे जिसे आप डेली बेसिस पे अपने बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हो। सो चलते हैं एंड लगाते हैं पैरा जंबल्स के क्वेश्चन मेंस लेवल के एंड देखते हैं कितना स्कोर आ रहा है। PG एंड RC के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद यहाँ मैं कर रही हूँ प्री लेवल के पजल की प्रैक्टिस। एंड देन उसके बाद मेंस लेवल के पजल की प्रैक्टिस भी मैं प्रैक्टिस मॉक से ही करने वाली हूँ। सो चलते हैं एंड इसको पहले कंप्लीट करते हैं। ये पिंपल धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है एंड इसके वजह से इतना सर दर्द कर रहा है। आई डोंट नो इतनी स्किन केयर करने के बाद भी ये पिंपल कैसे हो जाते हैं, बट ये भी पार्ट ऑफ लाइफ है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। थोड़ा सा चलते हैं बाहर, मुझे कुछ सामान लेना है, फिर बाहर से आने के बाद मैं अपने आगे की पढ़ाई कम्प्लीट करूँगी। सो लेट्स गो एंड इसका देखते हैं क्या कर सकते हैं।
एंड गाइज ये बड़ा सा मिरर मेरे हॉस्टल के नीचे लगा हुआ है, सो जो भी कोई बाहर जाता है तो यहाँ देख के जाता है, सो मैं यहाँ देख रही थी तो सोचा रिकॉर्ड कर लेती हूँ एंड देन चलते हैं बाहर। एंड जब बाहर निकले ही हैं तो सोचा क्यों ना जूस पिया जाए, सो यहाँ पी रही हूँ मैं पपाया जूस। एंड देन जो मुझे सामान लेना था वो लेके मैं वापस जा रही हूँ अपने हॉस्टल। ये सही होता गाइज, आप अगर पूरा दिन स्टडी कर रहे हो तो थोड़ा सा बाहर निकलने के बाद रिफ्रेशमेंट मिल जाता है, थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता है। एंड ये है आज की डिनर, एंड डिनर करने के बाद यहाँ मैं कर रही हूँ आशीष अरोड़ा सर की मेंस लेवल की क्लास, सो इसको पहले कंप्लीट करते हैं देन अपना नेक्स्ट स्लॉट कंप्लीट।